राजस्थान के चुनावी रण में लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया है। राजस्थान चुनाव में हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद ने गुरुवार को एकजुट होकर सूबे में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी यानी काशीराम के बीच गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। अब दोनों ही पार्टियां कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी मैदान में उतरेंगी। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन सी पार्टी कहां से उम्मीदवार उतारेगी, इस पर जल्द ही सहमति बन जाएगी। नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार रात को चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की। ये घोषणा बेनीवाल के आवास पर आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान हुई। RLP नेता ने साथ मिलकर काम करने और चुनावी सफलता हासिल करने के लिए गठबंधन की प्रतिबद्धता व्यक्त की। हनुमान बेनीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों दल एकजुट होंगे और एक परिवार की तरह चुनाव लड़ेंगे। RLP आजाद समाज पार्टी गठबंधन उन मतदाताओं को आकर्षित करेगा जो विपक्षी भाजपा और सत्तारूढ़ कांग्रेस के विरोधी हैं। उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द ही जारी की जाएगी और इस संयुक्त प्रयास का कई निर्वाचन क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। RLP के पास फिलहाल 3 विधायक और 1 सांसद है। गठबंधन के ऐलान के मौके पर चंद्रशेखर आजाद ने संवाददाताओं से कहा, हनुमान बेनीवाल खुद एक मजबूत नेता है, उन्होंने हर बार ये साबित किया है। वो लड़ते वक्त जाति धर्म नहीं देखते, इसमें मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। हमारे साथियों का भी सुझाव था कि जो लड़ाई अब तक अलग अलग लड़ी जा रही थी वो एकजुट होकर लड़ी जाए ताकि वोट में बंटवारा नहीं हो। अब दोनों दलों का एक जुट वोट होकर इस अलायंस को मिलेगा। इस बार ये अलायंस ही तय करेगा राजस्थान में CM कौन होगा। RLP के साथ सीट बंटवारे पर कोई विवाद नहीं है ना, और कोई एक ही हमारी तमन्ना कि राजस्थान सुरक्षित हाथों में रहे, राजस्थान की जनता को उनके अधिकार मिले और जो वंचित तबकों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, जो शोषण हो रहा है वो बंद हो। और वो शोषण तभी होगा जब काम लेने वाले हाथ मजबूत हों। हनुमान जी बेनीवाल के हाथ बहुत मजबूत हैं और हमारे साथी उनको इस लड़ाई में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं उनकी पूरी पार्टी का, उनके नेताओं का धन्यवाद करता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी के सभी नेताओं का, भीम आर्मी के सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे आशा विश्वास है कि आज से जो संदेश आपके जरिए जाएगा, कल से जो मनोबल बढ़ेगा, उसका परिवर्तन जो है वो आपको कल से दिखाई देगा। राजस्थान में बहुत सारे लोग जो आशा और उम्मीद के साथ बैठे हैं राजस्थान में परिवर्तन हो, वो इस मोर्चे को मजबूत करने के लिए अगर साथ आएंगे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन ये मोर्चा एक नया इतिहास लिखेगा राजस्थान में, और किसान का, मेरे नौजवानों को, महिलाओं को, जो शोषण और परेशानियाँ उनके सामने हैं, वो उनकी उनसे मुक्ति मिलने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अब कोई सवाल हो तो बताओ। इस पे मुकदमा हो जाता गलत शब्द कहने पे। तो हनुमान जी बेनीवाल खुद से इतने मजबूत हैं, जिन्होंने हमेशा साबित किया, और वो लड़ते हुए जाति धर्म नहीं देखते, इससे मैं उनका उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। सुंदर प्रदेश का नौजवान किसान जिस तकलीफ के दौर से गुजर रहा था और आवश्यकता थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, मजबूत विकल्प की, तीसरी ताकत की, और आज इन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो लंबे समय से हम दोनों के बीच बात चल रही थी, आज गठबंधन की अंतिम मोर लगाई। इनको धन्यवाद देता हूँ कि राजस्थान के जवान, किसान, दलित की पीड़ा को समझते हुए इस प्रदेश को इन दोनों पार्टियों से मुक्त करके और किसान, जवान, दलितों की सरकार राजस्थान में बने और ये गठबंधन लंबे समय तक देश में चले, इसकी ठोस शुरुआत इन्होंने की। और मैंने इनसे आग्रह किया कि आप स्वयं यहाँ RLP कार्यालय आके और जवानों को संबल दें और समर्थन की घोषणा करें। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और हम मिलके राजस्थान का चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से राजस्थान का जवान इस बार, जिस तरह पिछली बार 80 लाख वोट कांग्रेस BJP के खिलाफ राजस्थान के अंदर आए थे, जिस तरह का माहौल राजस्थान में रहा, भय, भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं थे, बजरी माफिया का आतंक, दलितों पर अत्याचार, किसान आत्महत्याएं, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, इस सब में कहीं ना कहीं राजस्थान का युवा और किसान बदलाव की तस्वीर देखना चाहता है, उम्मीद रखता है वो,
लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से शासन के अंदर है, धन बल, बाहुबल और सत्ता के बल के आधार पर उस सच्चाई को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में नौजवानों को संगठित होने की आवश्यकता है। नौजवानें उम्मीद भी कराता लंबे समय से, ये एक जो राजस्थान लंबे समय से चाह रहा था यहाँ बदलाव हो, आज बदलाव की इस कड़ी के अंदर चंद्रशेखर जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारी बात को रखा, हमारे आग्रह पे गठबंधन की पहल की। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो मिलकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसके परिणाम 24 के अंदर भी अलग होंगे।